छपकने की आदत नहीं रही, पलकों को अब छपकने की आदत नहीं रही, आँखों को क्या हुआ है तुम्हें देखने के बाद। जी हाँ बिल्कुल नाज़रीन, आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। इसी हाल ने हमें बेहाल बना रखा था और उसी के तहत आज हम फिर चले आए हैं आपका वही खूबसूरत सा प्रोग्राम लिए जिसका नाम है नगमे मारफत। जी हाँ, आपका इस्तकबाल है नगमे मारफत में। आज हम बात करेंगे उर्दू शायरी की। उर्दू शायरी की शुरुआत दक्कन में हुई है। दक्कन उर्दू शायरी का गहवारा रहा है। तसव्वुफ़ उर्दू शायरी की हमेशा से जान रहा है। अल्लाह के प्यारे बंदों ने अपने दीन की तबलीग और इशाअत के लिए फ़ारसी के बजाय उर्दू ज़ुबान को तरजीह दी है। न सिर्फ उन्होंने नसर को चुना है बल्कि शायरी को भी बेहतरीन तरजीह दी है। शायरी के ज़रिए ही सूफिया कराम ने अपनी बात को वाज़ह तौर पर बयान किया है। उर्दू शायरी में तसव्वुफ़ का ज़िक्र हमें मिलता है ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज के कलाम से, उनकी नसर से, उनकी शायरी से, और शमशुल उशाख, मीरा जी और बुरहानुद्दीन जानम जैसे बड़े बड़े शोरा इस सिन्फ में तबाह आजमाई कर चुके हैं। सूफियाना शायरी के अव्वलीन नमूने हमें दक्कनी ज़ुबान में भी मिलते हैं और इस बात के ख़ायल आप भी होंगे, है ना? तो फिर आइए इसी बात पर सुनते हैं एक खूबसूरत सी ग़ज़ल। बसा चाक गिरेबान
दिल कब बसा चाहे तेरे बाँह में आ वो सनम जब तू बसा दी हैरान में आ वो सनम जब तू बसा दी हैरान में आ आतिश ईश्क पड़ी अक्ल के सामान में आ वो सनम जब सू तजरीद में सब सू आजाद उसम था पर दे तजरीद में सब सू आजाद तालिबे इश्क हुआ सूरते इंसान में आ तालिबे इश्क हुआ सूरते इंसान में आ वो सनम जब बसा दी तहरान में आ आतिशे इश्क पड़ी अक्ल के सामान में आ वो सनम जब सू तेरी पेश न जावे हरगिज़ शेख या बात तेरी तेरी पेश न जावे हरगिज़ अखल को छोड़ के मत मजली से जिंदान में आ अखल को छोड़ के मत मजली से जिंदान में आ वो सनम जब सु बसा दी तहरान में आ वो सनम जब सु बसा दी तहरान में आ आतिशे इश्क पड़ी अक्ल के सामान में आ वो सनम जब दर्दमंदा
मंदा का बजुज दर्द नहीं सीधे मुरा दर्द मंदा को बजुज दर्द नहीं सीधे मुरा ऐसे मुल्के जुनू खाक बयाबान में आ ऐसे मुल्के जुनू गम के बयाबान में आ वो सनम जब बसा दीद हैरान में आ वो सनम जब बसा दीद हैरान में आ आतिशे पड़ी अक्ल के सामान में आ वो सनम जब बस दीद हैरान में आ। वाह क्या खूबसूरत गजल अभी हम सब ने समाप्त फरमाई है। नाज़रीन उम्मीद है कि आप भी इससे ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं आज की नई नस्ल की। आज की नई नस्ल ये जो विरसा है ये लाफानी विरसा बचाने की कोशिश में अक्सर नाकाम हो गई है। इस विरसे को बचाने में जो सूफिया कराम ने अपना किरदार निभाया था उनकी मेहनत रायगा न जाए इसीलिए हमने नगमे मारिफत को आप तक पहुंचाया है ताकि नई नस्ल देखे सुने और इस विरसे को बचाने की कोशिश करें। अगर आज के लोग भी तसव्वुफ को समझें शायरी को समझें उर्दू को फिर से गले लगाएं तो वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह के नेक बंदों ने बरगुज़ेदा बुज़ुर्गों ने सूफियाए कराम ने जो इसमें मेहनत की है उनकी मेहनत रंग लाएगी और उनके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ज़रूर होंगे। तो चलिए नाज़रीन एक और गज़ल हम समाअत फरमाते हैं आपके बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम नगमे मारिफत में। Thank you.
माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह। तो सुना आपने नाज़रीन, कितनी ख़ूबसूरत, कितनी शीरीन और इंसान को अपने आप से गुम कर देने वाली ग़ज़ल थी। इंसान शायरी के ज़रिए ही अपने आप को पा सकता है, अपने हकीकी रब से मिल सकता है। आज की दुनिया, आज की ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी मशीन बनकर रह गई है। इंसान को अपने आप से मिले हुए भी ज़माना गुज़र जाता है। अगर ये मौसीकी ना होती, संगीत ना होता, शायरी ना होती और ख़ास तौर पर गज़लें ना होती, और गज़ल भी सूफियाना रंग की, सूफियाना गज़ल जो इंसान को मदहोश कर देती है, उसे अपने आप में से ही बेगाना कर देती है। एक ऐसी ही और गज़ल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, समाअत फरमाइएगा। ताबिदिल आज़मा है तो मैं क्या करूं, दिल आजमा है तो मैं क्या करूं, ओ नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं, ओ नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं,
भी दिल आसमां है तो मैं क्या तुझे हुआ क्या है दिले नादा, तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दर्द कौन सा दर्द, एक ऐसा दर्द जो हमें मिला है, उर्दू का दर्द। ये दर्द हमने महसूस किया है, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, आपके सामने शुमारा लाए हैं नगमे मारफत। ये एक हमारी कोशिश थी नाजरीन कि हम इसको आगे बढ़ाएँ। हमारा मकसद यही था इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए, कि उर्दू के फ़रोग़ में हम काम करें और उसको तरक्की दें। नाज़रीन कराम, हमारी इस छोटी सी कोशिश में उम्मीद है कि आपका तआवुन भी ज़रूर रहेगा। आप हमें अपनी राय और अपनी आरा से ज़रूर नवाजिएगा। अगले शुमारे में आपसे मिलने का वादा करते हुए अभी इजाज़त देती हूँ। मैं मुमताज़ सनम, खुदा हाफ़िज़।